दोस्तों मारुति की अर्टिगा है, 2014 का मॉडल है, ZXi, पेट्रोल और CNG। एक गलती और पूरा इंजन सीज हो गया है। इंजन हम लोग खोल चुके हैं और इंजन को लैथ मशीन पे भेजा हुआ है बनने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक छोटी सी गलती वजह से पूरा इंजन खोलना पड़ा और इसके पिस्टन पूरे टूट गए थे। तो मैं आपको चैम्बर का थोड़ा फ़ोटो दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, ऑयल का चैम्बर है। चैम्बर में देख सकते हो कितना मेटल आया हुआ है। और ये इसका पिस्टन है, पूरा टूट चुका है पिस्टन। ये देखो, सब इसकी वजह से हुआ है। आप देख सकते हो चैम्बर का जो नट था, एक्चुअली एक हफ्ते पहले इंजन का काम हुआ था और चैम्बर का जो नट है वो लूज रह गया था, जिसके वजह से रनिंग में ही ऑयल गिर गया। और ऑयल गिरने के बावजूद भी ड्राइवर ने 1-2 किलोमीटर गाड़ी चला दिया, जिसके वजह से इंजन सीज हो गया और रनिंग में चलती गाड़ी बंद हो गई। इसका क्रैंक देख लीजिए, ये इसका क्रैंक है। क्रैंक की कंडीशन ऐसी है कि ये देख सकते हो आप लोग, पूरा घट चुका है, जो कि अब रिप्लेस ही करना पड़ेगा। और ये क्रैंक ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ इसकी प्राइस जो है मारुति का ओरिजिनल जो है, एक देख सकते हो आप लोग, 4235, 4235 रुपये का क्रैंक शाफ्ट है। और अभी इसका क्रैंक शाफ्ट, चारों पिस्टन और जो इसका ब्लॉक है उसमें सिल्यू मारने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लॉक भी कट चुका है। इसके पिस्टन टूट चुके हैं और कनेक्टिंग रॉड पूरा बेंड हो चुका था। तो इसके लिए इस अर्टिगा का हम लोग इंजन अब बनाएंगे। आप लोग को थोड़ा और पार्ट भी दिखा देता हूँ मैं इसके। ये इसके इंजन के सारे पार्ट हैं, ऑल्टरनेटर वगैरह जो खोला हुआ है। ये देखिए, इसका हेड का गैस्केट है, 720 रुपये का है। और ये मारुति का बॉन्ड है, 205 रुपये का। और ये पिस्टन के रिंग है, मतलब 255 रुपये के एक पिस्टन के रिंग है। कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और सारे बैरिंग जो है, बैरिंग थ्रस्ट वासर सब लैथ मशीन पे दिया हुआ है काम होने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एक छोटी की गलती की वजह से पूरा का पूरा इंजन सीज हो गया है। कि एक दो हफ्ते पहले किधर इंजन का काम हुआ था, CNG में गाड़ी मिसिंग करती थी तो इंजन का काम हुआ था। इंजन का काम होने के बाद ऑयल का नट शायद से गलती से लूज रह गया रहेगा, तो ये गाड़ी चला रहे थे और इसका जो है रास्ते में ऑयल गिर गया। और ऑयल गिरने के बाद भी इन्होंने गाड़ी 1-2 किलोमीटर चला दिया, जिसके वजह से इंजन सीज हो गया। तो क्या है कि ये ड्राइवर को भी ध्यान देना चाहिए जो गाड़ी चला रहा है, कि भाई ऑयल का लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है। और जो मैकेनिकल गाड़ी का काम करते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कोई चीज़ लूज है कि नहीं है, री चेक करना ज़रूरी है। कोई भी मेजर काम जब हो तो उसको रिक्वेस्ट है सारे मैकेनिकल भाइयों से कि एक बार प्लीज़ री चेक किया करो, क्योंकि देखिए इनका लमसम नहीं तो 25-30 हज़ार का खर्चा हो गया अभी इंजन बनाने में। 25-30 हज़ार तक तो खर्चा लगने वाला ही है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा इंजन सीज हो गया और एक हफ्ते पहले इन्होंने 25 हज़ार रुपये खर्चा करके किसी और गैरेज से काम करवाया था। अब ये गाड़ी हमारे पास आई है इंजन बनने के लिए, तो इस इंजन का इसका काम स्टार्ट है दोस्तों। तो बस यही है कि एक छोटी सी गलती की वजह से जो है पूरा का पूरा इंजन सीज हो जाता है। तो गाड़ी चलाते समय भी ध्यान दीजिए और जो गाड़ी का काम करते हैं मैकेनिकल, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऑयल का नट वगैरह, ऑयल कहीं से लीक है, कूलेंट कहीं से लीक है, ये ज़रूर चेक करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।